वीडियो से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। देश की सत्ता में दूसरी पारी की शुरुआत कर चुके भारतीय जनता पार्टी ने कैसे देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन के अवसर पर शुभकामनाएं दी, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सूर्यान, आपका निगम पार्षद सागरपुर वार्ड से। मैं आप सभी को 15 अगस्त, रक्षाबंधन और ईद की शुभकामनाएं देता हूं। अपनी पार्टी की ओर से और अपने भारतीय जनता परिवार की ओर से आप सभी के लिए 15 अगस्त, रक्षाबंधन और ईद आप सभी को मुबारक। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, जो एक देश में 70 वर्षों से जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो मोदी जी के और अमित शाह जी के दृढ़ निश्चय की वजह से, और जो उन्होंने जो कहा था वो किया है, जो कश्मीर को अपना देश में मिला लिया है, आज कश्मीर के लोग भी हमारी तरह भारतीय नागरिक हो गए हैं, तो उसके लिए मैं पहले तो पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले 15 अगस्त की एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, और उस उपलब्धि के लिए मैं देशवासियों को और आने वाली रक्षाबंधन की बहनों को भी शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि इसी तरह से सभी के परिवार में खुशियाँ आती रहें। भगवान हर बहन को, जो खून खराबे जैसे जिस तरह से कश्मीर में होते थे, अब मुझे नहीं लगता है कोई हमारा फौजी भाई इस तरह से अपनी बहन को छोड़ के जा पाएगा। तो समस्त देशवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुलदीप सोलंकी, पूर्व निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी सादनगर से, सभी देशवासियों को 15 अगस्त, जन्माष्टमी और भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आपके जीवन में खुशियां भरी रहें पूरे साल तक, भाई बहन का प्यार बना रहे, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सब पे रहे। और बहुत सी चीज़ें हुई हैं देश में, जैसे एक देश एक संविधान, धारा 370, 35A, कश्मीर जो हमारे देश का मुकुट रहा है, एक ऐतिहासिक फैसला देश में हुआ है। इन त्योहारों के साथ ये भी आप साथ साथ खुशी मनाएं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सतपाल सिंह, सादनगर से, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री। मैं सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त और जन्माष्टमी की, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।